नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉक्स विद अरब के एक फ्रेश और कमाल एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे उस टिक ब्रीड से, तो अफसोस अब वो नहीं रही ब्रीड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ चीजें रातों रात बंद हो गई थी, वैसे ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से यूथ अपनी लाइन से भटक चुका था और लड़के लोग मुजरा करने पे उतर आए थे। तो वैसे ही एक ऐप जिसका नाम है टिकटॉक, वो भी बंद हो गई रातों रात, एकदम से गायब हो गई प्ले स्टोर से। तो आइए मिलते हैं एक वैसी ही शख्सियत से और जानते हैं उनकी लाइफ का द एंड कैसे हुआ। तो आइए आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलेंगे जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से आई है, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा सदमा लगा था कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। तो हम नहीं चाहते थे कि वो डिप्रेस हो, इसलिए हम उनका इंटरव्यू लेने आ चुके हैं। तो चलिए लेते हैं उनका इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है, क्योंकि हमारी ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है जानने में। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ये जो टिकटॉक की जो जर्नी, आपका जो इसका डी एंड हुआ है, उसके बारे में बताएं। क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि आप अपनी जर्नी जो आपकी जो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई, उसके बारे में बताएं। क्योंकि ऐसा है कि देखिए ऐसा है कि ठीक है, अभी आप मत पूछो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी लगता है, सब खो चुका है। खा क्या जो हो गया? मैं नहीं बोल पाऊंगी। हम राह भूल के आए हैं, हैं? हमारे सुनबा ना तो गड़िया फाट जाई। ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो चलिए गाइस, आज देखते हैं ग्राउंड रियलिटी चेक ऑफ द टिकटॉक स्टार का, कैसी है उनकी लाइफ आफ्टर टिकटॉक बैन। तो चलिए गाइस चलते हैं। देखिए आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी हालत कैसी खराब हो गई। मैडम रुकिए, भागिए मत। मैडम रुकिए। मैडम कैसा लग रहा है आपको? मैडम थोड़ा बताएं। अरे भाई, अरे भाई, मैडम प्लीज मैडम थोड़ा बताएं। बस। मैडम प्लीज, मैडम हम सामने आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देख सकते हैं आप ये कैसे हो गए हैं, इनकी हालत देख सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि पहले ये ऑटो साफ कर रही थी, और अभी इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो बिल्कुल ही अलग है, वो है ये चाय बनाने का। प्लीज आगे चाहिए, चलिए देखिए, देखिए इनका प्रोफेशन देखिए, ये क्या कर रही है। पहले ये ऑटो साफ कर रही थी, ये ऑटो चलाती थी पहले, और अभी ये एकदम से ये चाय के ऑक्यूपेशन में आ गई है। अरे मैं नहीं, मैं वो नहीं, मेरी बहन है वो। अरे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार इनकी शक्ल दिखाइए, थोड़ा जूम करिए कैमरा में, थोड़ा जूम करिए। बहुत ही बढ़िया। वो बनाती थी, मैं नहीं, टिकटॉक वो बनाती थी। नहीं, आप झूठ मत बोलिए, चलिए इनके पीछे चलिए। बस के नहीं जानी चाहिए। मैडम जी आपका इंटरव्यू बाकी है। मैडम जी भगा भाई। मैडम इंटरव्यू। अरे नहीं मैडम पसंद नहीं। मैडम। तो गाइस, काफ़ी देर से हम उनके पीछे घूम रहे थे और अभी हम काफ़ी थक चुके हैं, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा जूस पी लेते हैं। तो आओ यार जूस पीते हैं। ओ भैया जूस बनाना। हाँ जूस बनाना है बेटा। जैसा कि आपने देखा, पहले इन्होंने ऑटो धोया, फिर इन्होंने चाय बनाई, और अभी ये जूस की स्टॉल पर जूस भी बना रही हैं। तो काफी क्रिएटिव है और काफी इनके प्रोफेशंस भी बहुत अलग अलग हैं। तो गाइस एक बार इनकी शक्ल देख लो, एक बार इन टिकटॉक स्टार्स का असली चेहरा देख लो। जूम करिए इनके मुंह पे। केला हटाइए मैडम, मैडम ये भी हटाइए जो भी आपने लगा रखा अभी फिलहाल। अरे भाई रुक, ये तो यही है। मैडम, अरे मैडम इंटरव्यू। अरे मैडम रुकिए, मैडम रुकिए, एक बार इनका देख लेते हैं। ये कुछ कह रही है। सुनिए। क्या इस तरीके से क्या है तुम्हारा? तेरे पत्रकार, तेरा फोड़ कैमरा मैन।
देखिए देखिए इनका कितना बढ़िया बढ़िया रिएक्शन दे रही है, टिकटॉक से बेहतर रिएक्शन दे रही है अभी ये। रुक तू रुक, तेरे को मैं बताऊं, तेरे को रुक जा रहा है, मुझे कोई निकाल रहा है बाबा, कोई निकालो। देखिए क्या बढ़िया बढ़िया क्या बढ़िया रिएक्शन आ रहा है, वाओ। टिकटॉक से बेहतर रहो तो कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। लीजिए, रोइए मत, टिश्यू लीजिए, पानी पीजिए, एकदम देसी पानी है, घर का बना हुआ पानी, बिल्कुल एकदम ए क्वालिटी। ये आप क्या ले रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, भूख नहीं लगती, चलो कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए, आपका थोड़ा सही हो जाएगा। आप मुझे पागल मत समझिए, मुझे कोई मुझे मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप इतना रिएक्शन दे रहे हैं, मैं अभी स्टार हूँ। तदमय में आ गई है ये, तो आप इन पे ध्यान ना दीजिए, हो जाता है कभी कभार, क्या है कि भाई अब कोई इतना बड़ा स्टार कोई धरती पे आएगा एकदम से तो वही तो हो ही सकता है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी थोड़ी अपर स्टोरी ब्लैंक हो चुकी है सदमे के कारण, बट हम इनको डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे, हम इनसे इनको मोटिवेट करेंगे और फिर भी हम इनसे पूछेंगे कि आप आगे क्या करेंगे। कोई तो कोई ऐप निकलेगा नया जी, निकलेगा। और जो मेरी कलाकारी है, जो टैलेंट है जिसको बोल सकते हैं, तो वो तो मैं दिखाऊंगी ना, इतने ऐप्स हैं, और कुछ करूंगी अच्छा करूंगी, लेकिन जो भी करूंगी अच्छा करूंगी, आप लोगों को पसंद आएगा ऐसा। अच्छा, तो देखिए टिकटॉक का तो हमको इनका पसंद नहीं आया, देखते हैं कि आगे क्या करती हैं। तो जब टिकटॉक बंद हुआ उस रात आपको क्या सपना लगा? कल मुझे लगा कि मैं छत पे जाऊँ, जंप करूँ, मैं गई भी थी छत पे। अच्छा। और मैंने कोशिश की, मेरे को बहुत नीचे था, हाइट था, तो मुझे लगा कि नहीं मतलब नहीं, ज्यादा दर्द होगा। हाँ, अगर मरे नहीं तो फिर ज्यादा दर्द। हाँ, फिर मैं घर पे आई, वापस नीचे आई वापस मैं फैन पे देखा, एक साड़ी थी मम्मी की, बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छी साड़ी थी। मेरा मन है की मम्मी की साड़ी थी, मुझे लगा कि मैं जब शादी करूंगी तो मम्मी की साड़ी पहनूंगी, लाइक कहीं ना कहीं ना, मतलब जो एक्ट्रेसेस जो होते हैं ना सेलिब्रिटी, तो फिर मैं उस टाइम भी मैंने वो साड़ी निकाली, लेकिन मुझे लगा इतनी महंगी साड़ी यार, मम्मी के लिए कोई इतना महंगा यूज करता है क्या? जी जी, नहीं इतना महंगा कोई यूज नहीं करता। तो फिर उसके बाद मैंने वो भी रिजेक्ट कर दिया अपना प्लान, फिर मैं गई सिलेंडर के पास, मैंने कहा ठीक है, एक वो बहुत ईजी भी था मेरे लिए, लेकिन अब पता है ना सिलेंडर काफी महंगा हो गया। नहीं नहीं महंगे नहीं, एक्चुअली पता है वो गैस खत्म हो चुका था। मर करके और भूत बन करके इधर उधर घूमोगे, इससे अच्छा ये है कि अपनी लाइफ को, अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहो, चाहे कोई लोग पसंद करे कचरा या नहीं करे, लेकिन अपन को तो बढ़ाना है अपनी लाइफ को। तो अब आप अपना जो टैलेंट है, जो आप जो वीडियोस बनाते हैं 15-15 सेकंड के, उसको आप कहाँ डालेंगे? मैं यूट्यूब है, आप जानते हैं यूट्यूब, आपको पता ही होगा ना, क्योंकि आपका जो चैनल है वो भी यूट्यूब पे चलता है। सब्सक्राइब करना नीचे लिंक, सब्सक्राइब है ना, तो इतने उसमें डालूंगी। इसके बाद इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसमें मैं डाल सकती हूँ अपना, और मैं तो सोच छोड़ो ना, मैं तो अपना नया कैमरा खरीद लूंगी। ओह जी, तो मैं उसे बनाऊंगी अपने रियलिटी वाले, अच्छे से कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगी। ओहो क्या, और मैं कुछ अच्छा कुछ 15 सेकंड से 15 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बना लेंगी, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस अब थोड़ा सावधान हो जाए, क्योंकि जल्द ही YouTube पे सारा कचरा आने वाला है, तो उससे बचें कैसे भी करके, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, ओ भाई तू भी आ जा, तो ये हमारे DOP है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस वीडियो को कंप्लीट करने में। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही फनी वीडियो को देखने के लिए वेट करिए, और आपके सामने हम बहुत सारे फनी वीडियोस लेकर के आएंगे, और प्लीज लाइक कीजिए हमारे इस नए YouTube चैनल को। थोड़ा स्टैंडर्ड का चाहिए, तो उस हिसाब से अपन स्टैंडर्ड का ये थोड़ा हटा देते हैं। रुमाल वाला आता है, नहीं आता जवानी छुपाओगी, फांसी लगा दो।